अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर गुड एंड फाइन. सो स्टूडेंट्स, एज वेल एज यू नो, आई एम योर टीचर सहार, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर ग्रामर स्किल्स. सो क्लास, जैसा कि आपको पता है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस अगेन स्टार्ट हो चुकी हैं और हम लोगों ने अपने ग्रामर स्किल्स के जो है वो 2 यूनिट कम्प्लीट कर लिए हैं. आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो 7th क्लास, आज हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो है प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल. तो सबसे पहले ऊपर आप डेट मेंशन करेंगे 5 मई, और डे मेंशन करेंगे वेडनेसडे. तो क्लास, डेट और डे मेंशन करने के बाद हम लोग जो हैं वो चलते हैं अब अपने यूनिट की तरफ. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस भी पढ़ा था प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स के बारे में, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो है वो होती हैं वर्ब की ing वाली फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल्स होती हैं वर्ब की ed वाली फॉर्म, यानी कि जिसमें हम वर्ब के बाद ed यूज़ करते हैं. तो हम इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब वेयरिंग, हॉपिंग, रनिंग. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वर्ब की ing फॉर्म है, जैसा कि वेयरिंग, हॉपिंग, रनिंग. टू फॉर्म द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ मैनी वर्ब्स यू सिंपली एड ing टू द बेस फॉर्म. अच्छा, जब हमने सिंपल वर्ब की फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है तो हम सिंपल जो है वो ing उसके साथ ऐड कर लेते हैं, जैसा कि ईट है, हम ईट के बाद ing ऐड करेंगे तो बन जाएगा ईटिंग. वॉच के बाद हम ing ऐड करेंगे तो बन जाएगा वॉचिंग. अटैक के साथ ऐड करेंगे अटैकिंग. एग्री के साथ ऐड करेंगे तो बन जाएगा एग्रींग. तो ये कुछ सिंपल जो हैं वो वर्ब्स हैं जिसके साथ हम लोग सिंपल ing ऐड करें तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज हो जाती है. हाउएवर, तहम, इफ़ द वर्ब एंड इन द इन ई विद अ कॉन्सोनेंट इन फ्रंट ऑफ इट, यू रिमूव द ई बिफोर यू एडिंग ing. अच्छा, अगर आप अगर कोई भी जो वर्ब है उसके लास्ट में जो है वो ई आ रहा हो, क्या आ रहा हो, ई आ रहा हो, और उससे पहले क्या आ रहा हो, कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो आप जो है वहाँ पे क्या करते हैं, आप ई को रिमूव करके आप यूज़ करते हैं ing. क्या यूज़ करते हैं, ing. आप ई को रिमूव करके ing लगा देंगे. रेस, रेसिंग. मैनेज, मैनेजिंग. ऑपरेट, ऑपरेटिंग. अच्छा, इफ़ द वर्ब्स एंड इन ie, यू चेंज दिस एंडिंग टू y बिफोर यू एड ing. अच्छा, कुछ वर्ब्स की फॉर्म जो है वो ie पर एंड ख़त्म होती है, उनके एंड पर ie आता है, तो आप ie को ख़त्म करके y यूज़ करेंगे और y के बाद आप ing लगाएंगे, जैसा कि जो है डाई है, इसके बाद हम ie काट कर y लगाएंगे और ing तो बन जाएगा डाइंग, टाई तो बन जाएगा टाइंग. इफ़ द वर्ब्स एंड इन कॉन्सोनेंट वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, यू यूजली डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट बिफोर यू एडिंग, यू एड ing. फॉर एग्जाम्पल, रब, रबिंग. अच्छा, अगर वर्ब्स जो हैं उनके एंड पर कॉन्सोनेंट, वोवल और फिर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट, वोवल और फिर कॉन्सोनेंट, तो आप जो हैं वो लास्ट जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे और उसके बाद ing. अच्छा, जैसा कि लास्ट के जो 3 वर्ड हैं हम वो देखेंगे, उसमें हमारे पास लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वोवल हो और फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट हो. अब रब है, आर हम, ये है ही सिर्फ 3 वर्ड्स के ऊपर, ठीक है, इसमें सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, आर, यू और बी. आर हमारे पास कॉन्सोनेंट है, यू आपको पता है हमारे पास वोवल है, और बी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो हमारे पास जो लास्ट वर्ड है, लास्ट कॉन्सोनेंट है, हम इसको डबल कर देंगे, यानी कि हम रब को रबिंग के लिए बी ऐड करेंगे, रबिंग, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, रबिंग. स्ट्रिप को देखें, आर, लास्ट 3 वर्ड देखें, आर आई पी. आर हमारे पास कॉन्सोनेंट है, वी आई वोवल है और पी कॉन्सोनेंट है, तो हम पी को डबल कर देंगे, हम लिखेंगे स्ट्रिपिंग. ऐसे ही मॉडल है, मॉडलिंग, रेफर, रेफरिंग. However, you never double W or Y and you do not double other consonants except I. Except L. After an unstressed vowel, for example, stay, staying, follow, following. Harden, hardening, offer, offering. अच्छा, आप जो है वो हमेशा Y, आप you never double W or Y. अच्छा, W और Y को आप double नहीं कर सकते. You don't double other consonant except L. आप जो हैं वो L के अलावा यू डू नॉट डबल अदर कॉन्सोनेंट एक्सेप्ट L आफ्टर एन
अनस्ट्रेस्ड लेवल वोवल। अच्छा, अगर कोई अनस्ट्रेस्ड वोवल के बाद कॉन्सोनेंट आता होगा तो आप उसको डबल नहीं कर सकते स्वाय एल के, यानी कि आप जो है वो वाई और डब्ल्यू को भी डबल नहीं कर सकते, कभी भी डबल नहीं कर सकते, डबल करके नहीं लिख सकते। एंड यू डोंट नो डबल अदर कॉन्सोनेंट्स, और आप दूसरे भी कॉन्सोनेंट को डबल नहीं कर सकते स्वाय एल के अगर उसके बाद जो है वो अनस्ट्रेस्ड वोवल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टे स्टेइंग, अब यहाँ पर हमने वाई को जो है वो डबल नहीं किया, हालांकि टी हमारे पास कॉन्सोनेंट था, ए वोवल था, वाई कॉन्सोनेंट था, अब क्योंकि हम डब्ल्यू वाई को नहीं कर सकते। फॉलो में हम लोग डब्ल्यू को नहीं करते, तो लिखा है फॉलोइंग। हार्डन हार्डनिंग, अच्छा हार्डन में हम लोगों ने क्या किया है, हार्डनिंग। नेक्स्ट है ऑफर ऑफरिंग। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज ए है हमारे पास, राइट द प्रेजेंट पार्टिसिपल इन द ब्लैंक्स ईच बिसाइड ईच वर्ब। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में जो है वो चेंज करना है अपने वर्ड्स को। बिलीव बिलीवी, लास्ट में ई था, हमने ई काट के लगा दिया आईएनजी। लाए लाइंग, मॉडल मॉडलिंग, गैलोप गैलोपिंग, ग्रूम ग्रूमिंग, स्पिन स्पिनिंग, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉइंग, फॉरगेट फॉरगेटिंग, ओवरलैप ओवरलैपिंग, बज बजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास पोर पोरिंग, रिले रिलेइंग, डिफेंड डिफेंडिंग, ओपन ओपनिंग, इन्वेंट इन्वेंटिंग, गो गोइंग, ब्लॉसम ब्लॉसमिंग, ग्रो ग्रोइंग, चेंज चेंजिंग, अकर अकरिंग। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा जी, यू कैन यूज़ आ प्रेजेंट पार्टिसिपल एज फॉलोज, आफ्टर एम इज़ और आर टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फॉर एग्जांपल वी आर वेटिंग फॉर यू। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो कहाँ यूज़ होते हैं, वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। एम इज़ और आर उसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं वर्ब की फॉर्म और आई एन जी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे कि वी आर वेटिंग फॉर यू, आर के बाद हमने लगाया है वेटिंग, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। आफ्टर वाज और वर टू फॉर्म द पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हम वाज और वर के बाद लगाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे कि वाज के बाद लीविंग। एज एन एडजेक्टिव और एट द बिगिनिंग ऑफ एन एडजेक्टिवल फ्रेज, फॉर एग्जांपल अ लीकिंग रूफ। अच्छा, जब हम इसको एज एडजेक्टिव यूज़ करते हैं या एज एन एडजेक्टिवल फ्रेज में, हम लोग इसको हमेशा स्टार्ट में लगाते हैं, अ लीकिंग रूफ, अ बॉय वेयरिंग अ बेसबॉल कैप। After the verb such as hear or see, for example, I watched dad mowing the lawn. अच्छा, हम लोग जो है वो after verb such as hear or see, ऐसे verbs जहाँ पे सुनने या देखने की बात हो, hear यानी कि सुनना, see देखना, तो वहाँ पर हम इसको verb के बाद use करते हैं, यानी कि I watched dad mowing the lawn, watched verb था, तो हमने इसके बाद use किया है mowing। तो next है हमारे exercise B, complete this and second sentence of each pair using a different verb in the present continuous tense. The first one has been done for you. हमने इसको present continuous tense में की different जो है वो different verbs को use करते हुए हमने इसको present continuous tense में change करना है। The baby was woken up, now it is crying. Tom has washed the dishes, now he is drying them. Tom ने जो है वो बर्तन धो लिए हैं और अब यानी कि प्लेटें धो ली हैं और अब उनको खुश कर रहा है। मम हैज़ फिनिश द हाउस वर्क, नाउ शी इज़ हैविंग अ रेस्ट। आई हैव बोट अ प्रेजेंट फॉर ग्रैंडमा, नाउ आई एम रैपिंग इट अप। नेक्स्ट वन है वी हैव मूव्ड हाउस, नाउ वी आर लिविंग इन द सिटी सेंटर। उसके बाद है द रेन हैज़ स्टॉप्ड, नाउ द सन इज़ शाइनिंग। उसके बाद है जैक हैज़ ब्रोकन हिज मॉडल प्लान, नाउ ही इज़ मेंडिंग इट। उसके बाद है द चिल्ड्रन हैव पुट देयर टॉयज अवे, नाउ दे आर गोइंग टू बेड। सेकेंड लास्ट है द प्लेन हैज़ लैंडेड, नाउ द पैसेंजर्स आर गेटिंग ऑफ। लास्ट वन है माई ब्रदर हैज़ लेफ्ट स्कूल, नाउ ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। तो इसके साथ जो है वो हमारी एक्सरसाइज बी कंप्लीट हुई। आज हम लोगों ने दो एक्सरसाइज की हैं, एक्सरसाइज ए और बी। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, बहुत ईजी लेसन है। कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको याद करना है, ट्यूटर्स को लाजमी सुनाना है या पेरेंट्स को लाजमी सुनाना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।